कोलास में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जनसभा के दौरान ट्रैक्टर से जा रहे एक परिवार के साथ पुलिसकर्मियों द्वारा मारपीट कर दी गई, जिसके बाद लाडली बहनें, जो कि चूंकि खुद मुख्यमंत्री महिलाओं को लाडली बहन कहकर संबोधित करते हैं, वे बहनें जब मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाने पहुंची तो पुलिस ने उन्हें मिलने नहीं दिया। वहीं पुरुषों के साथ जमकर मारपीट की गई, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ है। इस मामले में महिलाओं का कहना था कि अगर हमारे साथ ऐसा होगा तो फिर अब हम कहाँ न्याय के लिए गुहार लगाएंगे। हमारे संवाददाता मुकेश गौड़ ने यहाँ पर महिलाओं से बात की और जाना कि आखिर पूरा मामला क्या है। क्या नाम है आपका? फुलबाई। क्या बात हो गई आज? आज ये बात हो गई, हम गांव से आ रहे थे, तथा अनंतपुर से हम नंदखा से आ रहे थे, तो हम घर को आ रहे थे मानीपुरा में, तो उनने हम एकदम हमने बोलने जो कहे एक साइड लगा लो, तो एक साइड तो नहीं लगा, पूरे देखा तो लड़कियों से देने चैट हमरे नंदे को मारा, मारे किसने पीटा? जो पुलिस वालों ने, पुलिस वालों ने 10 जनों ने। मेला थी क्या? पुरुष था? पुरुष नहीं थे, मेला नहीं थी। किस बात को लेकर पीटा? इस बात को लेकर के एक साइड लगा लो, तुम्हें एक साइड लगाना ही नहीं था, आगे खड़े एक साइड लेके ट्रैक्टर में से खचूर के भी नहीं और नीचे मारे, नीचे मारे और ले गए थाने में, ले गए तुमके हमरे नंदे को थाने में बंद कर ला। अब यार की बात तो रहने वाली है आप? क्या नाम है? उनसे मैंने लाडली बहना योजना बनाई और तय किया। एक विचार मेरे मन में आया कि महीने में साल में एक बार डालने से काम नहीं चलेगा, तो मैंने तय किया कि साल में एक बार नहीं, हर महीने बहनों के खाते में पैसा डालूंगा और बन गई लाडली बहना योजना। मेरी बहनों, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, कैसी योजना है लाडली बहना? जोर से बताओ, कैसी योजना है लाडली बहना? कांग्रेस ने कभी एक पैसा बहनों के खाते में डाला है क्या? अरे जोर से बताओ, डाला क्या कभी? और अभी